रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का क्या अंजाम हुआ, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, जिसके बाद अब इंतजार है तो रणबीर की अगली रिलीज ब्रह्मास्त्र का। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पर्दे पर शमशेरा का हाल देखकर करण जौहर को ब्रह्मास्त्र के लिए भी डर लग रहा है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि तमाम लोगों का कहना है, वो भी फिल्म मेकर करण जौहर का बयान सुनने के बाद, जिसके बाद से उनका ये बयान चर्चा में बना हुआ है। तो करण ने ऐसा क्या कह दिया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। करण ने सबसे पहले फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्यार इतना मजबूत एहसास और भावना है, इसे बांटा जा सकता है और फिर भी बहुत तायत में महसूस किया जा सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूं यान, और आपके बारे में उतना ही प्रोटेक्टिव महसूस करता हूं जितना कि मैं अपने जुड़वा बच्चों के लिए करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि आपने अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक दशक लगाया है। हम इस समय भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी डेडिकेशन और कड़ी मेहनत पहले से ही एक जीत है। तुम बस उड़ो, बस ऊंची उड़ान, बस लक्ष्य ऊंचा रखो। सपने एक वास्तविकता है, यदि आप वास्तव में उन पर विश्वास करते हैं, और मुझे पता है कि आप करते हैं। आपका सपना आपके प्यार का श्रम है, जिसे दुनिया जल्द ही देखेगी। लव यू माई चाइल्ड, और अरे जन्मदिन मुबारक हो। आपको बता दें कि करण ने ये बातें अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कही हैं, जिसमें करण के कंधे पर अयान सर रखे सोते दिखाई पड़ रहे हैं। इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि बॉयकॉट ट्रेंड को देखते हुए ही करण ब्रह्मास्त्र के लिए कुछ भी कह नहीं पा रहे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।